नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज़्यादातर घरों में पूजा के बर्तन पीतल और तांबे के ही होते हैं, तो उन्हें किस तरीके से चमका सकते हैं? कुछ पीतल और तांबे के बर्तन रखे रखे भी काले पड़ जाते हैं और उनकी चमक भी कम हो जाती है। तो आज मैं एक ऐसा पाउडर शेयर करने जा रही हूँ जिससे कम मेहनत से पुराने बर्तनों को चमका सकते हैं। ये तांबे और पीतल के बर्तन के साथ कुछ बर्तन पूजा के भी हैं, तो ये सारे बर्तन कुछ मिनटों में ही साफ हो जाएगा। सामग्री देख लेते हैं। एक थाली में 1 कप आटा लेंगे और इसी कप से सेंधा नमक लेंगे। आप कोई सा भी नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सेंधा नमक लिया है और साथ में 1 कप कपड़ा धोने वाला पाउडर ले लेंगे। इसी के साथ 5 से 6 चम्मच बेकिंग सोडा लेंगे। ये सबके घरों में होता है। बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर मत डालिएगा। अगर बहुत सालों साल पुराने बर्तन रखे रखे काले पड़ गए हो तो एक साइट्रिक एसिड आता है, इसे ज़रूर इस पाउडर में 5 से 6 चम्मच मिला दीजिएगा। दुकान पर ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लगाते ही कुछ मिनटों में चमक जाएगा। इसे मिलाने से पुराने बर्तन नया जैसा चमकेगा। बेकिंग सोडा के बराबर इसे भी मिला लेंगे। इसे मिलाने से बिना मेहनत के बर्तन चमक जाएगा। अब इन सारी सामग्रियों को अच्छे से मिला लेंगे। अब एक डिब्बा में इस पाउडर को चम्मच की मदद से भर लेंगे और बंद करके रख देंगे। इस पाउडर को बनाकर एयर टाइट डिब्बा में रख लेंगे, नहीं तो सोडा का असर धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब एक प्याली में अपनी ज़रूरत के हिसाब से 5-6 चम्मच लेंगे, जितना ज़रूरत हो उतना लेंगे। अब इसमें विनेगर मिलाकर एक गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे। मैंने व्हाइट विनेगर का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह कोई सा विनेगर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ना हो तो कोई बात नहीं, नींबू का रस मिला लीजिए और उसी के छिलका से रगड़कर साफ कर सकते हैं। ये देखिए, विनेगर डालते ही कैसा रिएक्शन होने लगा, झाग सा बन गया है। इस पाउडर से कैसा भी बर्तन हो चमका सकते हैं। अब एक स्क्रबर से सारे बर्तनों पर लगा लेंगे। लगाकर थोड़े देर छोड़ देने से तुरंत छूट जाएगा। लगाकर नहीं रखना हो तो भी छूट जाएगा। जितने बर्तन हैं पीतल तांबे के सब पे लगा लेंगे। सारे बर्तनों पर पाउडर लगाने के बाद अब गिलास को छुड़ाकर दिखाती हूँ। अब इस गिलास पर फर्क देखिए, लगाने के बाद और ये पहले का कितना काला है। इसी तरीके से अंदर का भी छोड़ा लेंगे। गिलास के अंदर हाथ नहीं जा रहा है तो थोड़ा सा पाउडर डालकर छोड़ देंगे, साफ हो जाएगा बिना रगड़े ही। इसे घुमा देंगे इस तरीके से तो भी साफ हो जाएगा। ये देखिए, गिलास साफ हो गया है। इसी तरीके से जग को भी छुड़ा लेंगे। और जो ये पीतल और पूजन के बर्तन हैं इसे भी छुड़ा लेंगे। जो ती काला पड़ गया है तो थोड़ा सा विनेगर डालकर थोड़े देर छोड़ देंगे। ये देखिए, ये सारे बर्तनों को मैंने छुड़ा लिया है। अब किसी बर्तन में पानी लेकर धो लेंगे, बीच बीच में पानी बदल लेंगे। अगर बर्तन ज़्यादा पुराना हो, रखे रखे मैला और काला हो, तो जो पाउडर हमने बनाया है उसमें साइट्रिक एसिड ज़रूर मिलाइएगा। इससे पुराने से पुराने बर्तन भी चमक जाएगा। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने बर्तनों को जब चाहें तब चमकदार बना सकते हैं। इन सारे बर्तनों को धोकर सूखे कपड़े से ज़रूर पोछिएगा।
ये तरीका इतना आसान है कि कम मेहनत से ही एकदम चमका सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।